गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में डिफरेंस का। एटम एक्चुअली है क्या? एटम फॉर एग्जांपल, मैं डिफरेंशिएट समझना एक बार, ऑक्सीजन की बात ही करते हैं। ऑक्सीजन का जो एटम है वो ओ रहेगा अकेला, मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का ओ टू रहेगा। मींस एटम जो है वो सिंगल एंटिटी है। एटम जो है वो सिंगल एंटिटी है, वहीं पर मॉलिक्यूल जो है इट इज फॉर्म्ड when two or more atoms combine together. जब दो या दो से ज्यादा atoms combine हो जाएंगे तब हम कह देंगे then there is formation of molecule. अब देखो बेटा, एक molecule भाई ऑक्सीजन का molecule, अब H2O है। जैसे H2O क्या है? एक molecule है। कैसे molecule है? इसमें two atoms of हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हमारे पास क्या फॉर्म हो गया? वाटर मॉलिक्यूल। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे ये भी क्या है? मॉलिक्यूल है। इसमें वन एटम ऑफ कार्बन एंड टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। क्लियर? अब इसी में फर्दर हम बात करते हैं एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास की। अब देखो बेटा, अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास, क्योंकि इसका यूज होगा। एक हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास। नेम से हमें पता लग रहा है एटॉमिक मास क्या होगा? मास ऑफ एटम। और ये क्या होगा? मास ऑफ मॉलिक्यूल। अब हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे एटॉमिक मास नंबर कैसे निकाला जाएगा। ये वैल्यू आएगी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर किसी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को मैं ऐड कर दूंगा तो वो क्या आ जाएगा? एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट होगा? इट इज कैलकुलेटेड बाय द एडिशन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ईच एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल, H2O का आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो दो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, इन दोनों का एटॉमिक मास ऐड कर दो,
प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन ऐड कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, H2O का मॉलिक्यूलर मास। नोट डाउन करेंगे इसको।